का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ी बातों में, टूटी फूटी आवाज़ में आपका अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आप सबका आभार अपने समस्त यूट्यूब चैनल के सदस्यों का। वंदन है और अभिनंदन है। आज जो भी है वो आप लोगों की बदौलत है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये EMF कॉलेज मदरसा बहरेच रोड रेउसा की है, जहाँ पर यह मदरसा EMF कॉलेज अपने कारनामों से हमेशा एक सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पर एक बताते चलें कि घोर टीचरों की लापरवाही आई है, इसके पहले भी आ चुकी है। अभी कल 11 फरवरी को एक 10 वर्षीय का किशोर जो है कक्षा LKG का छात्र था, जो स्कूल में गिरकर जख्मी हो गया गंभीर रूप से। मामला यूं ही ख़त्म नहीं होता, घोर लापरवाही तो तब आई जब टीचरों ने जख्मी किशोर के परिजनों को सूचना भी नहीं दी और इलाज भी नहीं कराया, जैसा कि परिजनों ने बताया। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से, और वह कराहता रहा बालक 10 वर्षीय, और आखिरकार छुट्टी में जब वो घर गया तो उसकी हालत देखी, मायूस देखा, तो परिजनों ने पूछा और तो देखा कि उसको जख्म था, एक हड्डी निकली हुई थी, गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। जब परिजनों ने बात की तो वहीं पर वो दूसरे हिसाब से पेश आए, जैसा कि बताया गया, और वहीं पर परिजनों ने लखीमपुर एक निजी हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया। कुछ परिजनों के बातचीत के अंश भी हैं। और इस बाबत जब बात की गई इस मदरसा के मालिक प्रबंधक टीचर शफीक से, तो उन्होंने भी अपनी किरकिरी बचाने के लिए उल्टा सीधा जवाब दिया और कहा कि इलाज कराया गया है, लेकिन समुचित परिजनों के मुताबिक इलाज नहीं कराया गया, ना तो सूचना देगी। इसके पहले भी कई बार ये सुर्खियों में आ चुका है EMF कॉलेज के स्कूल। और बताते चलें कि गुरगुजपुर का अर्पित 10 वर्ष के पुत्र श्रीकांत गुप्ता का पुत्र EMF कॉलेज में पढ़ता है, LKG का छात्र है, और वो स्कूल के टीचरों की लापरवाही से गिरकर जख्मी हुआ। रस्सी बंधी हुई थी, लोग बता रहे हैं, उसमें फंसकर जख्मी हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब टीचरों ने सूचना भी नहीं दी और ना तो इलाज कराया। वहीं पर जबकि स्कूल में छात्र के पहुंचने पर जिम्मेदारी टीचरों की बनती है, लेकिन वो अपने कारनामे और सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं, जो आप देख सकते हैं। घोर लापरवाही सामने आई है इस EMF कॉलेज की। मामला आ रहा है कि स्कूल में बच्चा गिर जाने से गंभीर रूप से जख्मी हुआ, लेकिन स्कूल के अध्यापकों ने सूचना भी नहीं दी। पूरी बात करते हैं, क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित, पिताजी का आपके? मोहनलाल गुप्ता। घर कहाँ है? गुरगुजपुर। अच्छा, क्या हुआ है? स्कूल में बच्चा सुबह गया पढ़ने। क्या नाम बच्चे का? अर्पित गुप्ता। अर्पित गुप्ता। कई साल का होगा? 10 साल का। ये कौन सी कक्षा का है? LKG में। पिताजी का क्या नाम है उसके? श्रीकांत गुप्ता। श्रीकांत, कहाँ घर है उसका? गुरगुजपुर। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ता है? यही है जो पेट्रोल टंकी पास है। अच्छा, MFF में, मतलब बहरेच रोड रेउसा कस्बा में। ठीक, फिर कैसे क्या हुआ? सुबह ही स्कूल में गिरा तो मास्टर लोग ना उसकी दवा लाए और ना उसको फोन किया घर पे गार्जियन को। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे जाने? जब छुट्टी में बच्चा आया तब गाड़ी वालों ने बोला कि हल्की से चोट आई है, तो हम जब यहाँ देखा तो उसके ये पांजर निकला था। अच्छा, बाजू निकला हुआ था। फिर आप कहाँ ले गए? तो हम लखीमपुर भेजे हैं। अच्छा, फिर अध्यापक से इस बारे में बात नहीं की? अध्यापक से बात की तो कहें कि हल्की फुल्की ही चोट आई है। अच्छा अच्छा, अध्यापक का नाम बताइए। अध्यापक का नाम आसिफ। अच्छा अच्छा, मतलब सूचना भी नहीं दी। यहाँ पर एक घोर लापरवाही स्कूल के अध्यापक की आई, जो कि दायित्व होता है बच्चा जाए तो स्कूल में बच्चों मास्टर की गार्जियन की गाड़ी पे भेजने के बाद स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है बच्चे की। अच्छा, फिर वो सूचना भी नहीं दी। जैसे कि आप देख सकते हैं पीड़ित के बयान किस कदर से, और उसको लखीमपुर ले जाना पड़ा, भर्ती कराना पड़ रहा है, काफी गंभीर चोटें आई। कैसे गिरा था? और रस्सी उसमें बंधी थी खंभे में, उसी में फंस कर गिरा। स्कूल में बंधी रस्सी से फंस कर जख्मी हुआ, लेकिन घोर लापरवाही स्कूल के टीचरों की, जो आप देख रहे हैं। ऐसे हैं स्कूल के अध्यापक और ऐसे हैं स्कूल, जरा देख सकते हैं इसकी और तस्वीर फरमाइए।